अरे यहाँ ये दो आम के पेड़ हमने लगाए थे अब से एक साल पहले, और आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत पेड़ ऑर्गेनिकली ग्रोन मैंगोज इस पर कभी आएंगे। एक पेड़ ये था और एक पेड़ वहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सुंदर पेड़ है। एक पेड़ दशहरी का है, एक पेड़ लंगड़े आम का है। यार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश तोमर और आज मैं आपको करवाऊंगा अपने वर्मी कंपोस्ट फार्म का टूर। तो देखिए दोस्तों, हम अपने फार्म पे किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे और फार्म का कराएंगे कंप्लीट टूर। तो चलिए दोस्तों, हमारा फार्म सिचुएटेड है गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश में, और आप देख सकते हैं ये हमने एक फार्म का सेटअप किया हुआ है। लास्ट में एक हमारा छोटा सा कमरा है जिसमें हमारे कुछ लोग रहते हैं, इस फार्म पे सहयोगी हैं, और ये पूरा हमने एक ऑर्गेनिक फार्म सेटअप किया है। बहुत मेहनत से हमने इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सारी चीज़ें पूरी करी हैं और हमारा फार्म ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी है। दोस्तों, ये ताज़ा गोबर है जो तकरीबन 10 दिन पुराना है, जो हमारे फार्म पे आया है। इसको एक ट्रॉली से लाया गया है और यहाँ पे उतार दिया गया है, आप देख लीजिए। अब इसको ठंडा किया जाएगा, इस पर पानी लगाया जाएगा, काट लगाई जाएगी और 2 से 3 दिन में ये पूरा गोबर ठंडा हो जाएगा। ये हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं, आप देख सकते हैं। इनको हमने जूट की बोरियों से ढका हुआ है, कहीं कहीं हमने पराली का भी इस्तेमाल किया है। अब सीज़न ख़त्म हो गया है, पराली हमारे फार्म पे ख़त्म हो गई तो हमने जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये बेड नीचे जा चुके हैं, इनमें से ऑलमोस्ट खाद उतर चुका है और अब इसमें सिर्फ लास्ट की कुछ इंच लेयर बची है जिसमें बहुत सारे केंचुए और थोड़ा सा कंपोस्ट होगा जिसको भी बाद में निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में पानी के इस्तेमाल के लिए छोटा समरसेबल हमें अक्सर चाहिए होता है। लोगों के फार्म्स पे बड़ी ट्यूबवेल या बड़े समरसेबल होते हैं जिससे छोटा पाइप निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर कुछ छोटा सा अरेंजमेंट किया है जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं, कि एक बड़े समरसेबल के पाइप में से कुछ छोटे से पाइप को निकाला गया है। इसको एडजस्ट वो आगे वाले वॉल्व से करते हैं और ये छोटे वाले पाइप से अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे पानी चला गया। ये कुछ बैम्बू ट्रीज हैं जो गोल्डन बैम्बू हैं जो अलोंग द फेंसिंग हमने लगाए हुए हैं। बीच बीच में कुछ सब्जियों के पौधे भी हैं जो हमारे रहने वाले लोग यहाँ पर हैं, जो काम करते हैं भाई लोग, वो लोग यहाँ से सब्जियाँ ताज़ी ताज़ी खाते हैं और हमारे भी घरों के लिए दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये अलोंग द फेंसिंग कुछ लौकी तोरी की बेल हैं जो हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, उन्हें अपने घर में प्रयोग के लिए हम और हमारे साथी लेते हैं। ये एक बैंगन का पेड़ है जिस पर काफ़ी सारे बैंगन आए हुए हैं और अब ये हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, इस फार्म पे हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक नए तरह के गन्ने के बीज का, 15-0-23 जिसे बोलते हैं, 15-0-23, उसको रिंग पिट मेथड से हमने यहाँ पे बोया था और उसकी अच्छी खासी पौध तैयार हो गई है। हम देखते हैं इसका कैसा रिव्यू रहता है। इसमें हम ऑर्गेनिक दवाइयाँ वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा डालते हैं, तो देखते हैं इसका कैसा रिव्यू रहता है। ये हमारा तैयार वर्मी कंपोस्ट है, आप देख सकते हैं ये हमने जो ढेर है ये बिना छना हुआ है और ये जो ढेर है ये छने हुए वर्मी कंपोस्ट का है। ये सब बिकने के लिए रेडी है, किसान भाई से प्रयोग करेंगे और अच्छी फसल तैयार करेंगे। दोस्तों, आपको जो सामने टैंक नज़र आ रहे हैं डिकम्पोजर के टैंक हैं, इसमें हमने माइक्रोन्यूट्रेंट और डिकम्पोजर तैयार किया हुआ है, इसको हम हर सिंचाई पर अपने खेतों में देते हैं। बेड लगे हुए। एक ये सामने से रास्ता आता है जिससे हमारी ट्रॉली आती है गोबर की और
हमारी यूनिट के अंदर चली जाती है, और ऐसे ही लोडिंग की गाड़ी जो आती है वो इस रास्ते से बाहर चली जाती है। आप देख सकते हैं हमने इस फील्ड का पार्टीशन किया हुआ है, बीच में एक ये रोड है जिससे में हमारा यूनिट है। सामने हमने छोटा सा ऑफिस कहिए कमरा कहिए बनाया हुआ है, पेड़ों की छाँव में हम बैठते हैं आराम से। ये एक रास्ता है और ये रोड सामने की तरफ एक और रास्ते से निकल जाती है, वहाँ भी एक गेट लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, आप देखिए कि उस हिस्से में हमारे वर्मी कंपोस्ट के कुछ बेड हैं, यहाँ बीच में जगह खाली है और यहाँ फिर हमारे कुछ बेड हैं। तो ये जगह खाली इसलिए रखी जाती है दोस्तों ताकि जो हमारा गोबर आए कच्चा वो यहाँ पर रखा जाए और जो हमारी खाद आए वो हम इसमें बीच में उतार लें। तो दोनों बेडों की लाइनों के बीच में हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है और यही प्रक्रिया हमने आगे भी करी हुई है। आगे भी आप देखेंगे उस लाइन के बीच में भी हमने जगह छोड़ी हुई है जहाँ पर हमारा गोबर आता है और वर्मी कंपोस्ट का जो उतार होता है उसको वहाँ रखा जाता है। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि हम थोड़ा सा वर्किंग स्पेस दोनों लाइनों के बीच में ज़रूर छोड़ें। ये एक अमरूद का पेड़ लगाया था दोस्तों हमने, इसमें कुछ छोटे छोटे से अमरूद आ भी रहे हैं, शायद बरसात के मौसम में और काफ़ी अमरूद इसमें आ जाएं। तो कैसा लगा आपको हमारी वर्मी कंपोस्ट का ये वर्चुअल टूर, प्लीज़ कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएँ। हमारे फार्म पर क्या चीज़ आपको अच्छी लगी ये भी हमें बताएं, और कुछ कमी हो तो भी हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब।